ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के धुरंधर ओपनर डेविड वार्नर ने हाल ही में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की थी। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह चुके इस विस्फोटक बैटर ने वापसी का मन बनाया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए डेविड वार्नर ने चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने की इच्छा जताई है। उन्होंने चयनकर्ताओं को टीम के चयन के लिए डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट को उपलब्ध होने की जानकारी दी। बारी बारी से अलविदा कह दिया था। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इसके बाद भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के बाद डेविड वार्नर ने इस फॉर्मेट को अलविदा कहा। इस साल खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपर 8 से ही बाहर हो गई। वार्नर ने टी20 से संन्यास के साथ ही पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अब उन्होंने वनडे फॉर्मेट में खेले जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने की इच्छा जाहिर की है। ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर ओपनर डेविड वार्नर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलते रहेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना चाहते हैं। अगले साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाना है। 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। वनडे फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें खेलने उतरेंगी।